हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, आज बहुत बढ़िया सी एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी या बच्चों के टिफ़िन में आप ये दे सकते हैं, ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी की। तो ये मेरे पास में सब्ज़ी बची हुई थी आलू की, तो वो मैंने ले ली है। और यहाँ पे लिया है 2 कप आटा, गेहूँ का आटा लिया है। उसमें डाली है 1 चम्मच अजवाइन, उसके साथ ही डाला है 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और आलू और कसूरी मेथी का तो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। 1/2 चम्मच डाल दिए यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स, जो कि बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं या अपने ब्रेकफास्ट के लिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट और कलर देगी। 1/2 चम्मच डाला है मैंने गरम मसाला, और कलर के लिए डाली है मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच देगी मिर्च, जो कि बहुत अच्छा कलर देगी। और हल्का सा कलर और बढ़िया देने के लिए यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर भी डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है यहाँ पे नमक। और अब इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ी। तो सब्ज़ी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये बहुत अच्छे से खाई जाती है बची हुई सब्ज़ी की, पराठे या पूड़ी जो भी आप बनाना चाहें, या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पराठे ही बनाएं आप लंच वगैरह में, तो बहुत बच्चे शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद है। आप यहाँ पे, आपके पास में अगर दाल भी बचे तो आप दाल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सब्ज़ी थी तो मैंने सब्ज़ी डाली है। तो अब इसको, आटे को हमें अच्छे से नीट कर लेना है, ताकि हमें पता लगे कि पानी हमें कितनी ज़रूरत है। यहाँ देखिए, बहुत अच्छा सा मैंने आटा लगा दिया है। अब इसको मैं ढक के 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। और ये देखिए कितना बढ़िया सा ये आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसके हम बनाएंगे पराठे। तो उसके लिए इसको पहले हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे, और 1 से 2 मिनट सिर्फ मसलना है। उसके बाद में ढक के रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ पे लिया है मैंने, जो रेगुलर हम रोटी के लिए लोई लेते हैं, उससे थोड़ी सी बड़ी ली है लोई। और इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए। और आटा डस्ट करने के बाद में एक बड़ा सी चपाती बनाएंगे, रोटी बना लेंगे एक पतली सी। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी से लच्छा पराठा। तो हाँ जी, बहुत बढ़िया सा लच्छा पराठा बन के तैयार होता है बची हुई दाल या सब्ज़ी का भी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको मैंने बेल लिया है, और अब इसमें लगा दूँगी मैं ऑयल। ऑयल अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है, और उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा भी। आटा भी डस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ये प्लेट्स। तो देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा 1-1 इंच के गैप लेते हुए हमें प्लेट्स बनानी है, और इनको अच्छे तरीके से मोड़ के, और अब हम इसको एक अच्छा सा लच्छा पराठा के शेप में दे देंगे। और यहाँ पे मैंने हल्का सा और आटा डस्ट किया है, ताकि हमारी जो लच्छा पराठा है बहुत अच्छे से बन जाए। और यहाँ पर ये देखिए, बहुत बढ़िया सा ये लच्छा पराठा बनता है। और लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी बहुत से घरों में नहीं खाई जाती है, नहीं खाना पसंद करते हैं बच्चे तो ख़ास तौर पे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को खिलाने का। और ये देखिए, तवा अच्छे से गर्म था तो मैंने उस पर ये डाल दिया है। और अब इसको हम एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे, जब तक इस पर कलर आएगा, और उसके बाद में हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हमें पहले सीखना है, और बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए सीखना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और बढ़िया सा इस पर लगा देंगे हम ऑयल या घी, जो भी आपके यहाँ पे खाया जाता हो। बच्चे के लिए अगर ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो आप ज़रूर घी प्रेफर करें, और वो भी अच्छा क्वालिटी का, तो बच्चे बहुत शौक से बहुत बढ़िया खा लेते हैं। और ये अच्छी तरीके से अब इसको प्रेस करते हुए हमें सेक लेना है। बहुत बढ़िया से इसको सेकेंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, दोपहर में, लंच में, टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए, अब मैं आपको दूसरा भी बता रही हूँ लच्छा पराठा किस तरीके से मैंने बनाया था, और मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया सा ये हम एक चपाती बेल लेंगे नॉर्मल, जिस तरीके से हम चपाती बेलते हैं। और फिर उसमें हम डालेंगे अच्छे से घी, बटर या ऑयल, जो भी आपके यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है। ये देखिए, आटा थोड़ा सा उठाकर और इस तरीके से हमें प्लेट्स बनाकर इनको इस तरीके से गोल लपेट लेना है। और ये देखिए कितने अच्छे अभी से लेयर्स दिख रहे हैं, और यकीन मानिए बहुत अच्छे लगते हैं खाने में।
और बच्चे तो शौक से खाते हैं, और आप भी अपने ब्रेकफास्ट में इसे ज़रूर बनाएं, अपने शामिल करें डाइट में। ये बहुत अच्छे रहते हैं, जो कि नहीं खाते हैं सब्ज़ी बहुत से लोग, और बच्चे तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, तो उनको ये बहुत अच्छा तरीका है खिलाने का। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक पराठा पहले सीख चुका है, अब मैं इसको साइड कर दूँगी और दूसरे पराठे को सीखने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा पहले पराठे में कितने अच्छे लेयर्स आए हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से लेयर्स आए हैं इसमें। देखिए कितने बढ़िया, ये हमारा पराठा सिक्के हो गया तैयार। इसी तरीके से हमें दूसरा भी सीख लेना, और सभी पराठे इसी तरीके से बना लेते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी या दाल की। तो अच्छी तरीके से अब इसको भी हमने सीख लिया था, हम दूसरा भी इसी तरीके से सीख लेते हैं। और बहुत बढ़िया, ये हमारी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी से लच्छे पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी अच्छे से सेक लेते हैं, बहुत अच्छे से घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें। और इस तरीके से सब्ज़ी आप अपने बच्चों को भरपूर मात्रा में खिला सकते हैं। कच्ची सब्जियां भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। लच्छा पराठा बिल्कुल भी बहुत आसानी से बन जाता है, और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती बनाने में। और ये देखिए कितना बढ़िया, ये हमारे पराठे बन के हो गए तैयार। मैंने इनको सर्व किया है ब्रेकफास्ट में घर के होममेड अचार के साथ में। आशा करते हैं रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।